जुहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई बेणु खबर मूलकर्मा हेडलाइंस नु चिंता बढ़ुचे कोरोनार नुआ भाइरस राजने ओमिक्रॉन पॉजिटिव संख्या 200 पार चिन्हट हेले आउ मात्र 32 संक्रमित ओमिक्रॉन चिन्हट नहीं स्वास्थ्य विभाग के जनाला आईएलएस राजने 11,000 मुहा दैनिक संक्रमण 24 घंटा ने 10,856 पॉजिटिव खोर्धाने 3,087 सुंदरगढ़ नु 1,943 फिर दुई जन कर जीवन नेला भाइरस कोरोना कटकणार उड़ला धजिया गाइडलाइन नहीं मानी करी खुला रही आदिवासी छात्री हॉस्टल 200 नु अटका पिलांके नहीं करी चली पाठ पढ़ा पंचायत निर्वाचन नहीं राज्य निर्वाचन कमिशन कर समीक्षा बैठक सबु जिलापाल आरु एसपी कर संगे भर्चुआल समीक्षा निर्वाचन के स्वच्छ आरु शांति श्रृंखला ने करवा के आलोचना मंडी खुलबार मासे नहीं पूरी हेले सरीगला न टार्गेट टोकन आसीचे हेले नहीं है पारबार धान बिक्री अदिनिया वर्षा चिंता भितरे चाषी धारीचे बिक्री बटर चिंता सियाड़े कलाहांडी डोंगरीगुड़ा कासिबार रास्ता अवरोध कले चाषी आसमा पूरा खबर के राजने दिन के दिन बढ़ी चली छे ओमिक्रॉन आक्रांतंकर संख्या कोरोना बढ़ुचे नुआ भारियन भी माड़ुचे आज राजने आर 32 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट हैछन 32 ओमिक्रॉन चिन्हट ने करी स्वास्थ्य विभाग के जने छे आईएलएस सेड़े नुआ आक्रांत के मिसे करी राजने मोट ओमिक्रॉन आक्रांतकर संख्या 202 के वृद्धि पाई छे राजने 11,000 मुहा दैनिक संक्रमण 24 घंटा ने 10,856 पॉजिटिव खोर्धानु फेर सबकनु एतका 3,087 आक्रांत चिन्हट हैछन सेन्ता सुंदरगढ़ नु 1,943 कटक रु 909 समलपुर नु 500 मयूरभंज नु 376 बालेश्वर नु 326 आरु बलांगीर नु 259 आक्रांत रहीछन गला 24 घंटा ने क्वारंटाइन नु 6,293 आरु 4,563 लोकाल केस रहीछे 18 वर्ष नु कम 1,021 पॉजिटिव रहीछन राजने मोट आक्टिव केस 61,809 रे पहुंची छे सेंता दुई जन कर मृत्यु संगे राजने मोट मृत्यु संख्या 8,478 के पहुंची छे लक्षण नहीं थिले दरकार नहीं ना कोविड टेस्ट पॉजिटिव संस्पर्श ने आसतिले भी लक्षण नहीं तो टेस्टिंग दरकार नहीं ना केंद्र सरकार का नया गाइडलाइन नहीं करी जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्रं कर प्रतिक्रिया कही चौन इन्हें करी जिला मान के जोने दे छे स्वास्थ्य विभाग आज सुधा 61,000 पॉजिटिव थिबा बेल के मात्र 1,100 डाक्तरखाना ने आक्रांत अछन 2% नु कम हॉस्पिटल ने अछन आईसीयू ने प्राय 300 लोक अछन गाइडलाइन अनुसार वृद्ध व्यक्ति भी लक्षण कम थिले आइसोलेशन रे रहबा के फल तार संगे अनावश्यक मेडिसिन व्यवहार करबा के विषय सतर्क करैछन वायरल फ्लू लागिर एंटीबायोटिक दरकार नै न अजथा मेडिसिन व्यवहार करबार बोली स्वास्थ्य विभागरु बारंबार सतर्क करा जौथिबा कहिछन जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र कोरोना कटकणा के फू करी उड़े देला एनजीओ राज्य सरकार का निर्देश के मानबा के नाराज हे ई एनजीओ कटकणा सत्वे भी प्राय 300 संख्या विशिष्ट आदिवासी छात्री हॉस्टल चालू रही देखमा नुआपड़ानु रिपोर्ट कोरोना कटकणार उड़ला धजिया खुला रही आदिवासी छात्री हॉस्टल 200 नु अधिका पिलांके नेकरी चली छे पाठ पढ़ा एंता अभिजोग आसे छे नुआपड़ा जिला सिनापाली गार होली होम संस्था नारे जेनु षष्ठ नु दशम आदिवासी छात्री मानके पाठ पढ़ा चली छे राइट सरकार करो
सहबंधिता ने चालुथबा ई एनजीओ के कोरोना कटकना के नाई मानबार जेतेबेले सरकार राइजर सबु स्कूल आरु हॉस्टल के बंद करबा के निर्देश दैछन सेनु ई बेसरकारी संस्था नियम नाई मानबार बोली अभिजोग होइछे। आमे तो छाड़ी छु हेडमास्टर कर उपरे हेडमास्टर जेबे छाड़बे हेबे आनी आसमो आगे छुट्टी हेल तो फोन कर ले तो आनी आसमो आगे फोन नहीं करबे एबे फोन कर लेगे नहीं। गोला 6 तारिख नु राइज रो सबु जिला मंगल अधिकारी आरु प्रधान शिक्षकों के लिखित अनुसार स्कूल आरु हॉस्टल बंद करबार लागि निर्देश दे छन सरकार हेले ई निर्देश के संस्था मानु नाइ थिबा अभिजोग करि छन स्थानीय बासिंदा। ई संपर्क रे आमे होली होम संस्था के जोगाजोग करथिलु हेले प्रधान शिक्षक आमरो प्रश्नर उत्तर नाइ दे। अलगा पटे जिला मंगल अधिकारी कहि छन आमे बार बार संस्था के कहुथले भी से माने नाइ मानबार आके आमे लिखित कारण दर्शा नोटिस जारी करमु। खाना पीना आर दौछे दुई टाइम आ किछ व्यवस्था नै ना साबुन सरफ रो किछ व्यवस्था नै ना लोग मन के ठकी के खाली पैसा एनजीओ चलाई करी इटा ई करू छे। हमर सब स्कूल गुडा का गवर्नमेंट गाइडलाइन अनुसार बंद करा जाई छी। होली होम आ गुटे जोटा चालू छी सिनापाली ने सेठी एससी एसटी झियो मान को रखी के पाठा पढ़ा होची सेटा गुटे एनजीओ संस्था ताको चलाई थौ छी। शॉर्टली हम ताको इंस्पेक्शन करबा को मध्य 6 तारिख जाइथिलु देखलु पिला पिली थिले आ तांको इंस्ट्रक्शन मध्य दिया हला कि जेहेतु गवर्नमेंट गाइडलाइन अछि जे मन को वर्तमान सोगाड खाली कर दियो फर्दर इंस्ट्रक्शन पर्यंत तापर हम जेतर रीओपनिंग हो छुआ को डाके होला हम कहिछु किंतु सुनबा को पाउछि पुणी से किछि पिला से रखि चंदे तांको हम आहुरी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दैछु कि इमीडिएटली से पिला मन को छाडी दियो बोली। कोरोना रो द्वितीय लहर रे होली होम रे 17 पॉजिटिव बाहरबा परे कंटेनमेंट जोन घोषणा होइथला। एबे जिला रे आक्रांत को संख्या बढ़ुथले बेले काय हला जे हॉस्टल बंद नहीं हेबार ताके नै करी उठुचे प्रश्न। नुआपड़ानु वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रशेखर कर सागे युधिष्ठिर पटेल को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। नाइ सुनला झारसुगुड़ा पुलिस निया लगे डीआईजी कर द्वारस्थ हेले पीड़ित परिवार। झारसुगुड़ा जिला बेलपहाड़ थाना गुमाडेरा गाँव संजय गला 16 तारीख दिने पाखर गाँव सुमंत भयंकर आर्मा बापा के नेकरी रायपुर जाइले 18 तारीख ने संजय घर के फिरबार बेले फिरी नहीं थी। इनकी संजय परिवार सुमंत बापा सागे जोगाजोग कर पचरबानु कार दुर्घटना होती फेरार सेड़े संजय मलाधी बरगड़ टाउन थाना पुलिस पाणी छतने पाइला। इनकी संजय पर लुके बेलपहाड़ थाना ने अभोग करते भी पुलिस अभोग नहीं शुनिवार अभोग घटना के मासे पूरी थिले भी बरगढ़ टाउन थाना पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीनाइथिबा कहि दिन गढ़े चली। संजय के हत्या करा जाइथिबा तांकर परिवार लोके अभिजोग करिचन न्याय लागि उत्तरांचल डीआईजी कर द्वारस्थ होइचन। मेरा तो पूरा शुभांतम होई के माँ बाप पर ही डाउट है कहे को ही लोग ले गया था लोग और अभी तक उस गाड़ी का पता नहीं है। क्यों मारा सोच रहे हैं? जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय बोला था कि मेरा गाड़ी को भरपाई कौन करेगा। मेरा जो पब्लिक को बोला था कि इस हेटा के मारा हेटा के पीटा जो पब्लिक को बोल सकता है मारो अपने रिश्तेदार के घर ले गया वो तो नहीं मारा होगा। तो थाने, थाने गए थे आप लोग? हम लोग बरगढ़ थाने भी गए और बेलपहाड़ भी थाने में गए थे झारछुकरा में ऑफिस भी गए थे एसपी ऑफिस वहाँ भी मेरा कहीं सुनवाई नहीं हुआ। तो आज किसके पास है? आज हम लोग यहाँ आए हैं डीआईजी ऑफिस। इन पे पूरा भरोसा है कि गरीब आदमी को कहीं गुजारा नहीं है। इन पे पूरा भरोसा है ये लोग हमें हेल्प करेंगे। एसपीएस 18 तारीख को इनका बॉडी मिला पानीछता ब्रिज में। 19 तारीख के दिन पानीछत पता चला। 20 तारीख के दिन हम बॉडी लाए हैं और बॉडी लाने के बाद इनको इनका पत्नी को अभियोग है कि इनका पति का हत्या किया गया है। उसी के लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं। अब इनका अभियोग है कि जो गाड़ी ले गए थे उनका मालिक के ऊपर इनका अभियोग है। नाम क्या है? वो बेलपहाड़ के ही रहने वाले हैं। क्या? उनका नाम सुब्रांत भोई है। तो उनका ड्राइवर है? उनका ड्राइवर ऐसे गए थे वो मतलब जैसे कि बुलाने के लिए। हाँ परमानेंट टेम्पररी ड्राइवर बन के गए थे। उनको किस लिए हत्या किया?
वो तो अब वही बता पाएंगे हम तो, हम हमारा बॉडी निशान देखने के बाद हमको लगा कि हत्या है, और क्या है कैसे है वो तो हम थोड़ी बता पाएंगे। 30 तारीख के दिन अभियोग किए थे उनके पत्नी, और अभी तक तो कुछ कार्रवाई ऐसा हुआ नहीं ऐसा लग रहा है। कलाणी कोक्सरा ब्लॉक काशीवाल मंडी ने धान उठा और अव्यवस्था के लेकर रास्ता अवरोध कले चाषी। गला 7 दिन है लगाण वर्षा ने खोला मंडी ने पड़ रही हजार हजार क्विंटाल धान, शह शह क्विंटाल धान वर्षा ने भिजि गजा हलान। स्थानीय तहसीलदार बारंबार अभियोग कले भी केनसी पदक्षेप निया कि धान के सुरक्षित रखबा लगे पलिथिन नाई जोगाबार, इतिलागी चाषी मैंने हताश होकर डोंगरीगुड़ा काशीवाल रास्ता अवरोध कर। चाषी मैंने रास्ता धान बस्ता रखी रास्ता अवरोध कर देखा के मिली। धान धान बिक्री लगी तो आसचु ना आज्ञा मंडी ने मंडी चलुचे बोली 3 तारीख रू धान आनीकर बसचु, वर्षा ही जीवार गजा ही गला ना सब धान, ढाबा लगी किसी भी नहीं देर किसी भी नहीं कला, ढाबा लगी भी नहीं देवार एने 70 क्विंटाल धान आनीचु आम 20-30 क्विंटाल एने बेकार ही गला ना गजा ही गला ना, आमर क्षतिपूरण दाबी हो सबू हो आर फिर ढाबा लगी भी किसी नहीं दिया जीवार ले धान ये भिजी जीवार गजा ही जीवा लोग तो परिवार सब एवाके पड़वा ना पिला छुआ के भी आनबार पड़वा ना, एबे घरे ने ये बाहरे ने धान भिजु थीवार घरे ने परिवार थीमु के इने 3 तारीख आगरू भी धान पड़ी के रही छे तो बिक्री काना होचे 10 तारीख धान भी बिक्री ही गला ना, एटा होचे विपर्जय कथा तो सीरियल हिसाब से धान बिक्री नहीं हबार, आर जेन मिलर्स मन के ठाने पड़ी छे से मैंने काशीवार बेले केंद्र 2-3 ट्रक आसूचे धान बिक्री नहीं हबार जार फल आज 40-50 हजार क्विंटाल धान पड़ी। सुवर्णपुर जिला ने धान घिना मासे नहीं पुरुनु आरंभ है गलान अभावी बिक्री, टोकन आसीचे धान भी अच्छे ले टार्गेट बहाना ने चाषीं धान नहीं रखबार प्याक्स। सुवर्णपुर जिलार बिनिका डुंगरी पालिके छाड़ी देले अलग ब्लॉक माने आरंभ है गलान मंडी समस्या, सियाड़े अदिनिया वर्षा लगी भिजुचे धान, देखमा रिपोर्ट। धान घिना के मासे ने पूरी हेले सरीगलान टार्गेट, 686 चाषी करिथिले पंजीकरण, 398 जन धान बिकिछन बाकी चाषी करबे काना। मंडी ने पड़ी रही छे हजार हजार बस्ता धान, केनु उपरे पानी जमीछे तो आर केनु तलु पैन पसी जाइछे। ए दृश्य हेउछे सुवर्णपुर जिला उलुंडा ब्लॉक पंचमहला पैक्स रो, 7 दिन हेलान टार्गेट ना आसबार कहिकिना धान नाई घिनबार पैक्स। एबे मंडी ने धान पड़ी रहला बेले वर्षा काकरथी निजर फसल के जुगी बसुचे चासी। इ मंडी ने 686 चासी पंजीकरण करथिबा बेलके एब तक बिकिछन मात्र 398 जन चासी। टार्गेट बहाना करिकिना धान घिनु नैथिबार अभिजोग आसीछे। धान घिना के मासे नै पुरिथिबा बेले केंता टार्गेट सरीछे बोली प्रश्न उठेछन चासी। धान नाइ उठवार आज्ञा से मेसेज माने आसुचे पंजीकृत होइ जे तमर 6.5 एकड़ 7 एकड़ लखन बोली रे आउ टुकन आमर पाखे नाही, बर्तमान आज बर्षार सब धान मैंने खला नला मानक सब भिजिकी पड़ी। मुई 3 तारीख रु मुई धान पकाली न इने राति सारा सुजु बर्षा हो जे घर भांगी जे आर कहे ना उठावार गाड़ी ना आवार आर टार्गेट ना इटा बोलू जो हर हरी 10 लोग चाषी धान पड़ी जे हर हरी हजारी पाकेट हवा। जिला ने धान घिना के मासे ने पूरी एबे नु आरंभ हेला न टार्गेट समस्या, डुंगरीपाली आरो बिनका के छाड़ी देले अन्य ब्लॉक मान के अधान ओएतका चासी धान बिक्री न करि पारी, टोकन अवधि सरबार के बसलान हेले टार्गेट बहाना ने चासी कर धान रखा न जबार, सेथिने वर्षा भी काल साजिछे घरे बाहरे सबुन धान भिजुथबार अभिजोग आइछे। सेडे पार्क संपादक टार्गेट नय न बोलिकिना कहुथला बेले जिला जोगान अधिकारी आम के इटा के नेकना सूचना नै न बोली कहिछन। सुनुन दा आइ कोली काना है देखुन हमर टारगेट माने बहुत कम कम वर्तमान अछि हला बोले एडा मु आइया सेसो भी जाईगिरी हां कि आइयो भेटि गिरी नाले सेसो को जा गेले भेटि गिरी कथा बता हम टारगेट फागल लागि हां आइया ने टारगेट माने दउ जे 150 इटा को इटा को टारगेट मोर कह माने 80% टारगेट आइया दे देमु बोले सर जेन प्रकार करू न कि नै चासी आउ हमर कर्मचारी सोसाइटी कर्मचारी भीर माल लगा सिस्टम में सोफा करू आर ओला किसी कथा नै न बुझि देखि प्राकृतिक विपर्जय तो आर केते बेले सरकारी विधि व्यवस्था रहला बार बार खेती सोचे चासी
ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଥିଲା ବେଲ୍କେ ଧାନ ବିକି ନାଇଥିବା ଚାଷୀ କାଣ କରବା ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଗକେ ଖବର ଦେଖମା, ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ନେମା। ବ୍ରେକ୍ ତରୁ ସ୍ୱାଗତ। 107 ପୌରାଧିକ ଲାଗି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା। ଏଥର ମହିଳାଙ୍କର ଲାଗି 54 ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ସେନ୍ତା 12 ପୌରାଧିକ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛେ ଚିଠା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କେନ୍ସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ 15 ଭିତରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖେ କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକେ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ସୁନୀଲ ବନ୍ସଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍। ଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିକ୍ରେ ନରମା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଙ୍ଗେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁପାଳନ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁପାଳନ ହେଉଛେ କି ନାହିଁ ତାହାର ଉପରେ ତଦାରଖ କରିକରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକେ ଜଣାଇ ଲେଖିବା ଲାଗି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର 5 ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛେ। ସବୁ ସ୍ଥିତିକେ ଦେଖିକରି ଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ ସେ ନେଇକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆରୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, ଗୃହ ସଚିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଆରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ମିଟିଂଟା ହେଲା, ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ VC ହୋଇକରି ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ SP ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ରେଞ୍ଜ DIG ଅଛନ୍ତି, RDC ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକରି ଦେଖାଗଲା କି କ'ଣ କେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଇ ଯାଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଫ୍ରି ଫେୟାର ହେବ। ଅର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ୟୁନିକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେ ପୋଜ୍ କରୁଛି। କାରଣ କ'ଣ କି ପ୍ରଥମଥର ଏମିତି ହେଉଛି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ଟା କେମିତି କରିକରି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ କୋଡ଼୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ରାଲି ଅଛି, ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି, ସେ ସବୁଟା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ସେମାନେ କନ୍ଭେନ୍ସିଂ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଜବ୍ ରହୁଛି କି ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା କି ଯେମିତି ସେମାନେ ବିଦାଉଟ୍ ବ୍ରେକିଂ ଦି କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଯେମିତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜ କଥାଟା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜି ଥାନା ଧାମଡଙ୍ଗା ଗାଁ ଚଚରାପଣାନେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। କୁମର ଅଣାଙ୍କର ଘରେ ଅଧା ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିକରି ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ଚାଉଲ, ଆବାସପତ୍ର, ଡାଲି, କପଡ଼ା ପୂରାପୂରି ଜଲିଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଲାଗି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକେ ଆୟତ କରିଥିଲେ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସହାୟତା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଛନ୍। ଆଗେ ଖବର ଦେଖମା, ଏବେ ଗୋଟେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ନେମା। ବ୍ରେକ୍ ଉତ୍ତାରୁ ସ୍ୱାଗତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଲହଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ନୀଲେପାଲି ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ଅଧା ରାତିରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇଛନ୍, ଚାଷୀମାନେ ଅମଲ କରିଥିବା ଧାନକେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ ହାତୀ। ହାତୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରନେ ପୋଲିସକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍ନେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଆରୁ ନଗଦ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏଣିକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍। ଗଲା 12 ବେଲବୁଡ଼ାନେ ବି ସିରିଜ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଡକାୟତମାନେ।
सुवर्णपुर ठाने पश्चिम ओडिशा जोनाल स्तरीय दुईदिनिया ताइकोंडा चंपिशिप उद्घाटन हो जाए। जिला ताइकोंडा संघ आड़ आयोजित इस शिविर ने पश्चिम जोन ने प्राय 200 खेलाली भाग नहीं। इ क्रीडा माध्यम ने निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन कर खेलाली माने राज तथा देश आरु विदेश माटी ने प्रतिनिधित्व कर पार्बे बोली अतिथि माने मत दे। बौद्ध गुरुगुदा सान्नालिया ब्रिज पाखे साइकिल कार दुर्घटना। स्वामी स्त्री साइकिल हाट नु फेरुवा बेले कार संगे दुर्घटना होता। दुर्घटन स्वामी गुरुतर होता बेलके स्त्री मृत्यु होती। दुर्घटना उतारु आहत के मेडिकल ने भर्ती कर घटनास्थल के उत्तेजना प्रकाश पाई। क्षतिपूरण दाबी ने जातीय राजपथ अवरोध कर अंचलवासी। समय छे नुआखे एक्सप्रेस के एनो शर्मा आके देखु थाउन अर्गस न्यूज जुहार।